रायसेन जिला, जिसकी बादशाह 3 दशक से भाजपा के अधीन होने के बावजूद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बारिश में मरीजों को खाट पर लिटाकर 8-8 किलोमीटर दूर मुख्यालय पर इलाज कराने आना पड़ता है, लेकिन इन दिनों लोगों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। बता दें आपको कि यहां पर नालियां खोदी गई है। हलाली डैम के पानी की सप्लाई के लिए 4 साल बाद ही मुख्य पाइपलाइन को बदले जाने के लिए नगर पालिका ने 2 करोड़ रूपये खर्च कर नई पाइपलाइन बिछाई है। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क के किनारे मिट्टी को ना तो ठीक ढंग से दबाया गया और ना ही उसका कोई पक्का इंतजाम किया गया, जिस कारण अब हर तरफ कीचड़, दलदल और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इस सबके बीच शहर के दुकानदारों के हाल और बुरे हैं। उनके दुकान पर जाने के लिए पैदल रास्ते तक नहीं बचे हैं, जिस कारण उन्हें मजबूरी में निजी खर्चे पर बजरी चूरी डलवा कर खुद ही इंतजाम करना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा होने लगी है, उसका कारण ये कि ये अभी जो नालियां खोदी गई थी उसको ठीक से भरा नहीं है, उसका मटेरियल यहीं छोड़ दिया गया, उससे कीचड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, ग्राहकों को आने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। आखिरकार परेशान होकर ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए हमने अपने निजी खर्चे से ये मटेरियल आज डलवाया है ताकि हमारे ग्राहकों को दिक्कत होना बंद हो जाए। अभी शहर में क्या स्थिति है वैसे कीचड़ पानी की जगह जगह? कीचड़ का मामले को अगर लेकर देखा जाए तो पूरे शहर में कीचड़ हर जगह देखी जा सकती है। अभी जब से ये काम किया गया था, ये रोड खुदाई वाला काम हुआ था साइड में रायसेन नगरी क्षेत्र के अंतर्गत, जैसा कि आपको विदित है कि ये 4 लेन सड़क का कार्य चल रहा है, तो 4 लेन सड़क में अभी PWD और द्वारा वहाँ पे कुछ कार्य किया जा रहा है, उसके कारण से मुख्य मार्ग के दोनों तरफ कीचड़ हो रही है। तो PWD से हमने निवेदन किया है कि मुख्य मार्ग पे जहाँ जहाँ कीचड़ हो रही है उसको वो रिपेयर कराएं, उसकी फिलिंग की व्यवस्था करें। जहाँ तक शहर के आंतरिक मार्गों की बात है तो वहाँ हम लगातार जहाँ भी हमें इस तरह की शिकायत या इस तरह की वो दिखते हैं वहाँ हम तत्काल कार्रवाई करके वो जो है फिलिंग वगैरह करके और कीचड़ हटा